साथ इंसाफ करो, हमारे 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 साथ इंसाफ करो, कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्टरों के साथ इंसाफ करो, वही वहाँ ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करो, ट्रांसपोर्टर के मसाइल हल करो, वही वहाँ कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। अवल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की हिस्से से मैं चेयरमैन मुश्तबर अहमद ये ऐसे इसलिए ऐसे ये कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न बस स्टैंड या पानीपुरा में जितने भी गाड़ियां चल रही है बटमालू से इलीगल ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमको शिफ्ट किया जनरल बस स्टैंड को जो बटमालू में था उसको शिफ्ट किया गया पानीपुरा, जिसमें सोमो टवेरा एसआरटीसी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां जितनी भी गाड़ियां जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से व्यवस्था गाड़ियां उनको सबको पानीपुरा जाना है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के एक डायरेक्शन है जिसके मुताबिक जो भी गाड़ी पानीपुरा उधर से आएगी तो उसको पानीपुरा बस स्टैंड पहुंचना है और जो इधर साउथ से आएगी तो उसको पांचक में रुकना है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जिसने हमको शिफ्ट किया हम मानते हैं, मगर खाली बसों को शिफ्ट नहीं किया, मिनी बसों को शिफ्ट नहीं किया गया, इसमें सोमो है टवेरा है मिनी बाकी एसआरटीसी की गाड़ियां जितने भी है वो सब इलीगल ऑपरेशन बटमाल से चला रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन इस वक्त पानीपुरा से चल रहा है उधर हमारे पास कोई पैसेंजर नहीं आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्टों से जितनी भी गाड़ियां आ रही है वो डायरेक्ट बटवाल चाहे एसआरटीसी की गाड़ियां हैं चाहे सोमो टवेरा है वो डायरेक्ट बटवाल से बटवाल आ रहे हैं, खाली बसें और मिनी बसें पानीपुरा से नहीं चल सकती है क्योंकि वहां कोई पैसेंजर नहीं आ रहे हैं। हम बैठे हम बेकार हैं, हमारे जो जितने भी ड्राइवर कंडक्टर साहिबान हैं वो इस वक्त भूख पर है। हमारी हम यही कहना चाहते हैं कि इस इलीगल ऑपरेशन को रोका जाए, हम अल्टीमेटम दें गवर्नमेंट को, हम एला हुकाम से भी मिले, हम ड्यूकाम साहब से भी मिले, बारे में आप किसी से मिले फिर सबसे मिले और जो कश्मीर साहब ने हमको पूरा भरोसा दिया है कि एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर ये ऑपरेशन इलीगल जो बटमाल से चल रहा है चाहे इसमें एसआरटीसी गाड़ियां चाहे बस है चाहे मिनी जितने भी गाड़ियां चल रही हैं उनको रोका जाएगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम इसीलिए अब यहां पर पहुंच गए, हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं, जितने भी कश्मीर वैली में ट्रांसपोर्टर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है पुरजोर अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ करो, हम परेशान हैं। आईजी कश्मीर आईजी ट्रैफिक साहब से अपील करते हैं वो भी इस मसले को देखे और इसका हल जल्द से जल्द निकाले। शबीर साहब एक मसला यह है कि सुनने में आया है कि आपसी तालमेल के बाद ही वहां के सोमो ड्राइवर हजरत जो है उन्होंने आपसी तालमेल के जरिए यह फैसला कर दिया है कि गाड़ियां जो है वो बटमालू से भी निकलेंगी, किस हद तक सही बात है ये बिल्कुल ऑनरेबल हाईकोर्ट की जब डायरेक्शन है, मैं यही कहना चाहता हूं एलजी साहब से, जब ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शन है कि उधर से कोई गाड़ी नहीं चलेगी तो पहले गवर्नमेंट ही के वायलेशन कर दिए, एसआरटीसी की गाड़ियां कैसे वहां से चल सकती है, उसके बाद जो सोमो टवेरा है वो कैसे बटमाल आ रहे हैं, अगर हमारी गाड़ी उधर जाएगी क्या उसको सीज करेंगे, हम जा ही रहे हैं। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट को बराबर जितनी भी डायरेक्शन है उन पर हम अमल कर रहे हैं, तो बाकी गवर्नमेंट को देखना चाहिए वो क्यों खुद अमल नहीं करते इन ऑर्डर पर। मैं यही अपील करता हूं कि इन ऑर्डर्स पर अपील किए अगर इनको वहां से बंद नहीं करना है तो फिर पानीपुरा जनरल बस स्टैंड को भी बटमालू वापस लाया जाए।